फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई, नारायण कृष्ण पधार रहे हैं। रथ में बैठे पीतांबर धारण किए नारायण श्री कृष्ण, मोर मुकुट धारण किए, मुरली हाथ में लिए चले आ रहे हैं रूप लावण्य के धनी। कहते हैं कि नारायण कृष्ण में इतना सौंदर्य था कि जिस गली से निकल जाए वो पनिहारिन यदि पानी भर रही है तो उसकी बाल्टी पानी में छूट जाया करती थी, नदियां बहना छोड़ देती थी। इंसान तो क्या, गाय बछड़े भी उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया करते थे। ऐसा जीवन था नारायण कृष्ण का, नारायण श्री कृष्ण का। चले जा रहे थे हस्तिनापुर की बीथियों से रथ निकला नारायण कृष्ण का, एक छोटी सी झोपड़ी एक खड़ी है इंतजार में, क्या ये नारायण कृष्ण मेरे घर में पाहुना बनकर आएंगे। फिर उसे लगा नहीं, ये तो सम्राटों के घर जाते हैं, मुझ अभागिन के घर कैसे आएंगे। कृष्ण ने देखा उस बुढ़िया को, मुस्कुराए, रथ आगे बढ़ गया। पहुंचे हस्तिनापुर में, दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव रखा कि तुम कुछ मत करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, पूरा हस्तिनापुर तुम ले लो, ये भाई भाई की लड़ाइयां अच्छी नहीं होती हैं। दुर्योधन ने कहा कि नारायण ये नहीं हो सकता है, 5 गांव की बात करते हो, मैं तो उन्हें सुई की नोक की बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं। दुर्बुद्धि दुर्योधन को कौन समझाए, नारायण कृष्ण ने बहुत समझाया, दुर्योधन को कुछ समझ नहीं आया। तो नारायण कृष्ण ने कहा कि सावधान दुर्योधन, यदि शांति का प्रस्ताव तुम्हें मंजूर नहीं है तो कुरुक्षेत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं कृष्ण हूं, मैं एक संदेश लेकर आया हूं शांति का, संधि का, यदि मंजूर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और एक बात याद रखना दुर्योधन, ये जो युद्ध होगा ये तुम्हारी खानदान की बर्बादी होगी, और इसके अलावा दुर्बुद्धि दुर्योधन को कुछ समझ नहीं आया। कितना भी समझाओ दुर्बुद्धियों को, उनके पल्ले कुछ भी पड़ता नहीं है। बातें हुई राजनीति की, दुर्योधन ने कहा कि नारायण ये तो बात हो गई राजनीति की, आप हमारे महल में पधारे हैं, चलो 56 भोग तैयार है, मोहन भोग तैयार है, भोजन करिए। कृष्ण ने कहा कि नहीं दुर्योधन, आज नहीं फिर कभी, फिर कभी। तो दुर्योधन ने कहा कि नारायण मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, इसलिए आप मेरा भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा ऐसी बात नहीं दुर्योधन, आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। लौट आए दुर्योधन के महलों से, दरवाजे बंद हैं, दरवाजा खटखटाया नारायण कृष्ण ने, अंदर से आवाज आई कि बाद में आना, अभी मैं घर में अकेली हूं। क्या मर्यादाएं थी पहले की, अभी नहीं खोल सकती दरवाजा, काकी दरवाजा खोलो देखो तो कौन आया है। काकी ने कहा कि कोई भी आया हो मैं द्वार नहीं खोल सकती हूं। आवाज आई, काकी बहुत भूख लगी है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, तड़प रहा हूं भूख से, मेरे प्राण संकट में है। जैसे ही भीतर आवाज गई कि कोई भूखा है तो फिर सारी मर्यादाएं इस देश की महिलाएं छोड़ देती हैं कि मेरे दर पे यदि कोई भूखा आया है तो द्वार खोलना मेरा फल। पहले का वो जमाना था कि जब लोग भोजन करते थे तो ये सोचते थे कोई आवे तो हम खावे, और आज का जमाना ऐसा है कोई बैठा है तो सोचते ये जावे तो हम, बदल गया जमाना पूरा, खोल दिए द्वार, हतप्रभ रह गई देखकर ये क्या हुआ। नारायण कृष्ण खड़े मेरे द्वार पर, विदुरानी के आंखों से अश्रु की धारा बह गई, उसने कहा कि ये मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, सम्राट के घर गए और मेरे द्वार पे भोजन के लिए। उन्होंने जैसे ही देखा विदुरानी ने, झरझर आंसू झरने लगे। कृष्ण ने कहा कि काकी अंदर आने का नहीं बोलोगे, पधारो, शब्द मौन हो गए। एक बात ध्यान रखना, जब प्रेम प्रगाढ़ होता है
तो शब्द मौन हो जाया करते हैं, मुखर नहीं होते हैं, नयन बात करते हैं। पधारो नारायण, हे मधुसूदन पधारिए। अंदर ले गई, एक खाट बिछाई। दुर्योधन ने कहा काकी, नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी जो भी है जल्दी दे दे, भूख लग रही है बहुत। रसोई घर में जाती, फिर भीतर जाती, फिर बाहर आती, सूझ ही नहीं रहा मैं करूं तो क्या करो। अरे उसकी किस्मत के क्या कहने, जिसके घर भगवान पाहुना बनकर के पहुंच जाया करते हैं, सौभाग्यशाली वह। फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर, फिर भीतर, क्या खिलाए आज तो खिलाने को कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने कहा कि जल्दी करो, बहुत तेज भूख लगी है। भीतर गई, पीछे के आंगन को खोला, केले की बौर लगी हुई थी, डाली लेकर आ गई। मधुसूदन ये केले खाओ, अभी तो मेरे घर में कुछ बना ही नहीं है, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। खाट पर बिठाया कृष्ण को, केले छील छील कर दे रही है, भक्ति भाव में डूबी है, प्रेम भाव में डूबी है। छिलके छिलके कृष्ण को पकड़ाती है, केले केले फेंकते जाती है, और कृष्ण भी ऐसे छिलके खाए जा रहे आनंद में। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा पगली ये क्या कर रही, आज इस घर में रोशनी क्यों है। बोले कोई फरिश्ता आया है तुम्हारे घर में, इस झोपड़ी में। जाकर देखा नारायण कृष्ण बैठे, विदुरानी जमीन पर बैठी है, कृष्ण खाट पर बैठे हैं, छिलके पकड़ा रही है। विदुर ने कहा पागल हो गई। बोले सुनो जी आप बीच में मत बोलो, बड़ा आनंद आ रहा है खिलाने में। बोले भाड़ में गया तेरा आनंद, जरा ये तो देख, छिलके खिला रही, केले फेंक रही। देखा विदुरानी ने माथा फोड़ लिया, रोने लगी नारायण कृष्ण गलती हो गई। कृष्ण ने कहा गलती नहीं हुई है काकी, गलती तो विदुर काका से हो गई है। बोले क्या गलती। बोले जब तू छिलके खिला रही थी तो इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, क्या बताऊं। कृष्ण ने, विदुर ने कहा ये केला खाओ। जैसे ही केला दिया, कृष्ण के गले में फंस गया, थूक दिया केला। विदुर ने कहा क्या गलती हुई। बोले काका जो स्वाद केले के छिलकों में आ रहा था, वो तेरे ज्ञान के केलों में वह स्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैया यशोदा मुझे माखन रोटी अपने हाथों से खिला। इतना आनंद आ रहा था तेरे ज्ञान के केलों में, मेरे रंग में भंग पैदा। मैं कह रहा हूं ना, स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। और यदि भीतर प्रेम होता है तो नारायण कृष्ण विदुरानी के केले के छिलके स्वीकार करते हैं, और भीतर प्रेम होता है तो राम भीलनी के जूठे बेर स्वीकार करते हैं, और भीतर प्रेम होता है तो कोई महावीर उड़द के छिलके भी चंदना से स्वीकार कर लिया करते हैं। बड़ा स्वाद है भोजन में, प्रेम का स्वाद होना चाहिए। मान्यवर।